40 वर्ष राजनीति के और राजनीति में कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस में कार्यकर्ता के रूप में मैंने हमेशा कार्य किया और जो भी दायित्व मुझे दिया गया उसको ईमानदारी से निभाने की कोशिश की है। 40 साल कम नहीं होते और वजह रही मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, लेकिन कभी भी मैं जो उनकी विचारधारा थी, जो उनके रीति रिवाज थे, जो उनकी रीति नीति थी, जो उनकी परंपराएं थी, उसको मैं कभी स्वीकार नहीं कर पाया, न तालमेल बैठा पाया, सामंजस्य नहीं बैठा पाया। और मूल रूप से मैंने कहा है कि मेरी शरीर जरूर वहाँ था, मेरी आत्मा नहीं थी। और आज मैं अपने परिवार के बीच में, अपनों के बीच में आया हूँ। मुझे एक अनुभूति हो रही है, सुखद अनुभूति हो रही है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कांग्रेस परिवार के, हमारे तेजस्वी नेतृत्व को, आदरणीय सोनिया जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को, आदरणीय अपने प्रियंका जी को और अपने शीर्ष नेताओं को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे स्वीकार किया और सम्मान दिया। मैं आज अभिभूत हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे वरिष्ठतम नेता, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है कांग्रेस को स्थापित करने के संकट के दौर में, कांग्रेस के लिए उन्होंने जी जान से, प्राण प्रण से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमेशा काम किया, कभी डिगे नहीं, कभी हटे नहीं, कभी विचलित नहीं हुए, तो उनके बीच में मैं आया हूँ। तो यकीनन मेरा धर्म है, मेरा कर्म है कि मैं आप लोगों के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में काम करूँगा और मेरी कोशिश होगी कि कांग्रेस की वापसी हो, कांग्रेस इस राज्य में, उत्तराखंड राज्य में स्थापित हो। और यह भी कहना चाहता हूँ कि बड़ी आशाएं, बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी आकांक्षाएं हैं इस प्रदेश की महानतम जनता की, जो कांग्रेस को निहार रही है, कांग्रेस के का इंतजार कर रही है। और मैं मानता हूँ कि कांग्रेस में अगर कहीं लोकतंत्र है तो कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र है, और अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो निश्चित रूप से लोकतंत्र मजबूत होगा। कांग्रेस में आप बहुत दिन रहे थे।